इस ऑडियो क्लिप में हम बात करने जा रहे हैं यूनिट थर्ड के चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के बारे में, जिसमें हम हेडिंग 10.4 मियोसिस एंड हेडिंग 10.5 सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस को सिंपल सरल आसान भाषा में सीखेंगे, समझेंगे, रट्टा मारेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 10.4 मियोसिस रिडक्शन डिवीजन के बारे में। मियोसिस बोले तो रिडक्शन डिवीजन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा ऑफ स्प्रिंग के बनने में दो गैमेट का फ्यूजन होता है। प्रत्येक गैमेट में क्रोमोसोम का एक हेप्लॉइड सेट होता है। गैमेट का फॉर्मेशन स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल से होता है। मियोसिस द्वारा बनने वाली हेप्लॉइड डॉटर सेल में क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है, बोले तो 23। मियोसिस बोले तो रिडक्शन डिवीजन द्वारा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होने वाले ऑर्गेनिज की लाइफ साइकिल में हेप्लॉइड फेज उत्पन्न होती है, जबकि फर्टिलाइजेशन द्वारा डिप्लॉइड फेज दोबारा आ जाती है। प्लांट एंड एनिमल में गैमेटोजेनेसिस दौरान मियोसिस होती है। रिडक्शन डिवीजन के फलस्वरूप हेप्लॉइड गैमेट बनते हैं। मियोसिस बोले तो रिडक्शन डिवीजन के की फीचर निम्न है। मियोसिस में न्यूक्लियर डिवीजन बोले तो कैरियोकाइनेसिस एंड सेल डिवीजन बोले तो साइटोकाइनेसिस की दो सिक्वेंशियल साइकिल चलती हैं। इन्हें मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड कहते हैं, परंतु डीएनए रिप्लिकेशन की सिर्फ सिंगल साइकिल चलती है। एस फेज में पेरेंटल क्रोमोसोम के रिप्लिकेशन के साथ आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड बनने के बाद मियोसिस फर्स्ट की शुरुआत होती है। मियोसिस फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग तथा होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच रिकॉम्बिनेशन होता है। मियोसिस सेकेंड के अंत में फोर हेप्लॉइड सेल्स बनती हैं। अभी हम मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 10.4.1 मियोसिस फर्स्ट के बारे में। मियोसिस फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट माइटोसिस के प्रोफेज की तुलना में प्रोफेज फर्स्ट लंबी तथा अधिक कॉम्प्लेक्स होती है। क्रोमोसोम के बिहेवियर के बेस पर प्रोफेज फर्स्ट को 5 फेजेस में सब डिवाइड करते हैं, लिप्टोटीन, जैगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। अभी हम लिप्टोटीन, जैगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं लिप्टोटीन के बारे में। लिप्टोटीन, लाइट माइक्रोस्कोप से देखने पर लिप्टोटीन स्टेज में क्रोमोसोम धीरे धीरे दिखने लगते हैं। लिप्टोटीन स्टेज के दौरान क्रोमोसोम का कॉम्पैक्शन लगातार होता है। अभी हम बात करने जा रहे हैं जाइगोटीन के बारे में। जाइगोटीन में सिमिलर क्रोमोसोम की आपस में पेयरिंग होने लगती है तथा एसोसिएशन की इस प्रोसेस को सिनेप्सिस कहते हैं। जाइगोटीन में पेयर्ड क्रोमोसोम को होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। जाइगोटीन में इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ यह दर्शाती है क्रोमोसोम सिनेप्सिस पेयरिंग के दौरान एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन वन पेयर सिनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम द्वारा होता है। सिनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम का प्रत्येक पेयर बाइवेलेंट या टेट्राड कहलाता है। बाइवेलेंट या टेट्राड क्रोमोसोम नेक्स्ट स्टेज बोले तो पैकेटीन में अच्छी तरह से दिखने लगते हैं। पैकेटीन की तुलना में लिप्टोटीन एंड जाइगोटीन शॉर्ट लिव्ड होती है। अभी हम बात करने जा रहे हैं पैकेटीन के बारे में। पैकेटीन में बाइवेलेंट क्रोमोसोम टेट्राड के रूप में क्लियर दिखाई देने लगते हैं। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का अपीयरेंस पैकेटीन स्टेज की विशेषता है। पैकेटीन में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल पर होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच क्रॉसिंग ओवर होता है। दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज आदान प्रदान को क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। क्रॉसिंग ओवर एक एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है। क्रॉसिंग ओवर में रिकॉम्बिनेज नामक एंजाइम पार्टिसिपेट करता है। क्रॉसिंग ओवर के फलस्वरूप होमोलोगस क्रोमोसोम पर जेनेटिक मटेरियल का रिकॉम्बिनेशन होता है। पैकेटीन के एंड में रिकॉम्बिनेशन पूरा हो जाता है। क्रॉसिंग ओवर वाली जगह पर क्रोमोसोम लिंक्ड रहते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं डिप्लोटीन के बारे में। डिप्लोटीन की शुरुआत में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन हो जाता है जो जाइगोटीन में बना था। डिप्लोटीन में बाइवेलेंट के होमोलोगस क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर पॉइंट को छोड़कर एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। डिप्लोटीन में क्रॉसिंग ओवर वाले स्थान पर एक्स शेप स्ट्रक्चर को चियाजमेटा कहते हैं। कुछ वर्टिब्रेट की ऊसाइट में डिप्लोटीन महीनों या सालों तक रह सकती है। अभी हम बात करने जा रहे हैं डाइकाइनेसिस के बारे में। डाइकाइनेसिस प्रोफेज फर्स्ट की लास्ट स्टेज है। डाइकाइनेसिस में चियाजमेटा का टर्मिनलाइजेशन होता है। डाइकाइनेसिस में क्रोमोसोम पूरी तरह कंडेंस्ड हो जाते हैं। डाइकाइनेसिस में मियोटिक स्पिंडल असेंबल होकर होमोलोगस क्रोमोसोम को अलग करने में सहायता करते हैं। डाइकाइनेसिस के अंत तक न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है तथा न्यूक्लियर एनवेलप का भी ब्रेकडाउन हो जाता है। डाइकाइनेसिस मेटाफेज की ओर ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करता है। अभी हम बात करने जा रहे हैं मेटाफेज फर्स्ट के बारे में। मेटाफेज फर्स्ट में बाइवेलेंट क्रोमोसोम इक्विटोरियल प्लेट पर अलाइन हो जाते हैं। मेटाफेज फर्स्ट में अपोजिट पोल के स्पिंडल की माइक्रोट्यूब्यूल होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर से चिपक जाते हैं।
अभी हम बात करने जा रहे हैं एनाफेज फर्स्ट के बारे में। एनाफेज फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं, जबकि सिस्टर क्रोमेटिड अपने सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं। एनाफेज फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं, जबकि एनाफेज फर्स्ट में सिस्टर क्रोमेटिड अपने सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं टीलोफेज फर्स्ट के बारे में। टीलोफेज फर्स्ट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तथा न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाते हैं। टीलोफेज फर्स्ट में साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाती है तथा सेल की इस स्टेज को डाइड कहते हैं। टीलोफेज फर्स्ट के कई केसेस में क्रोमोसोम का कुछ डिस्पर्जन हो जाता है तथा क्रोमोसोम के डिस्पर्जन के कारण इंटरफेज न्यूक्लियस की एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेज में नहीं पहुंचते हैं। दो रिडक्शन डिवीजन मियोटिक डिवीजन के बीच की स्टेज को इंटरकाइनेसिस कहते हैं। इंटरकाइनेसिस सामान्यतः शॉर्ट लिव्ड होती है। इंटरकाइनेसिस के बाद प्रोफेज सेकेंड आती है, जो प्रोफेज सेकेंड प्रोफेज फर्स्ट से अधिक सिंपल होती है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 10.4.2 मियोसिस सेकेंड के बारे में। प्रोफेज सेकेंड के बारे में अभी हम बात करेंगे। प्रोफेज सेकेंड, मियोसिस सेकेंड की शुरुआत साइटोकाइनेसिस के तुरंत बाद व क्रोमोसोम के फुल इलोंगेशन से पहले होती है। मियोसिस फर्स्ट के अपोजिट मियोसिस सेकेंड माइटोसिस के समान होती है। प्रोफेज सेकेंड के अंत में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है। प्रोफेज सेकेंड में क्रोमोसोम अगेन कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं मेटाफेज सेकेंड के बारे में। मेटाफेज सेकेंड में क्रोमोसोम इक्वेटर पर अलाइन हो जाते हैं। मेटाफेज सेकेंड में अपोजिट पोल के स्पिंडल की माइक्रोट्यूब्यूल सिस्टर क्रोमेटिड के काइनेटोकोर से जुड़ जाती हैं। अभी हम बात कर रहे हैं एनाफेज सेकेंड के बारे में। एनाफेज सेकेंड में प्रत्येक क्रोमोसोम के सेंटोमियर साइमल्टेनियसली टूट जाते हैं तथा सेंटोमियर से जुड़े क्रोमेटिड अपोजिट पोल की ओर चले जाते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं टीलोफेज सेकेंड के बारे में। टीलोफेज सेकेंड मियोसिस सेकेंड की एंड स्टेज है। टीलोफेज सेकेंड क्रोमोसोम के दो ग्रुप अगेन न्यूक्लियर इनेबलर द्वारा घिर जाते हैं। टीलोफेज सेकेंड में साइटोकाइनेसिस के बाद फोर हैप्लोइड डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, जिन्हें टेट्राड ऑफ सेल कहते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 10.5 सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस के बारे में। रिडक्शन डिवीजन बोले तो मियोसिस के फलस्वरूप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले प्रत्येक स्पीसीज में क्रोमोसोम की संख्या पीढ़ी दर पीढ़ी कंजर्व सेम रहती है। रिडक्शन डिवीजन से पॉपुलेशन में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जेनेटिक वेरिएशन बढ़ती है। इस ऑडियो क्लिप में हम बात